एनडीटीवी द्वारा आयोजित बनेगा स्वच्छ इंडिया के पांचवें पर्व की शुरुआत पर मैं इस अभियान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की संकल्पना देश के सामने रखी और स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार स्वच्छता का जन आंदोलन खड़ा हुआ और मैं भारत के नागरिकों का, सिविल सोसाइटी का, एनजीओस का और विशेष रूप से मीडिया का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि सबने मिलकर इसको एक सफल अभियान बनाया। महाराष्ट्र में इसकी उपलब्धि मैं बताना चाहता हूं, स्वतंत्रता से लेकर तो पिछले 3 साल पूर्व तक महाराष्ट्र के 1,10,00,000 परिवारों में से मात्र 50,00,000 परिवारों के पास शौचालय था और 3 वर्षों में हमने 60,00,000 और परिवारों को शौचालय देकर महाराष्ट्र को ओडीएफ बनाया, ओपन डिफिकेशन फ्री बनाया। और आज मुझे खुशी है, चाहे वो शहरी महाराष्ट्र हो चाहे ग्रामीण महाराष्ट्र, ये ओडीएफ बन गया है। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी और बड़ी है। ओडीएफ का मतलब यह होता है कि अभी सभी को टॉयलेट का एक्सेस मिला है, लेकिन केवल एक्सेस देकर हम इसको समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए अब इसका दूसरा भाग हमने शुरू किया है जिसमें सब लोग टॉयलेट यूज करें, इस्तेमाल करें, शौचालय का उपयोग हो। यह कैंपेन अब बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र में हमने शुरू किया है। और इसके साथ साथ केवल ओडीएफ नहीं, तो महाराष्ट्र में जो कचरा है उसका सेग्रीगेशन हो, यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर अभी हमने नीचे के लेवल तक उसको इम्प्लीमेंट किया है। उसके ऊपर साइंटिफिक पद्धति से ये जो कचरा है ये ट्रीट हो, इसका एक बड़ा अभियान हमने हाथ में लिया। अभी तक करीब करीब 100 शहरों के डीपीआर हमने तैयार किए हैं और काम भी कई जगह शुरू हुआ है और एक बड़ा कैंपेन हमने उस संदर्भ में भी हाथ में लिया है। साथ साथ महाराष्ट्र में प्लास्टिक का भी रेगुलेशन हमने शुरू किया है, जो बिल्कुल प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है या जिसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ऐसे प्लास्टिक को बैन करते हुए बचे हुए प्लास्टिक का मैनेजमेंट ये बड़े पैमाने पर हम लोग कर रहे हैं ताकि प्लास्टिक फ्री, इस प्रकार से हम महाराष्ट्र का कचरा कर पाए और महाराष्ट्र के कचरे में से प्लास्टिक को पूरे तरीके से हटा पाए, इस प्रकार का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो जन आंदोलन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, इसको भारत इसी प्रकार से आगे अगर ले जाए तो हम जो सपना देखते हैं एक महाशक्ति बनने का, महाशक्ति तो वही बन सकते हैं जो स्वच्छ है। स्वच्छता के बिना महाशक्ति बनना यह असंभव है। और इसलिए मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, एनडीटीवी को शुभकामनाएं देता हूं और जो सारे लोग, अमिताभ बच्चन जी और सारे लोग जो इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।